खेलो बॉलिंग फैंटेसी सिर्फ बल्लेबाजी.com पर। सेलेक्ट करो अपने 5 बेस्ट बॉलर्स, जो टीम लेगी सबसे ज्यादा विकेट्स वो जिताएगी आपको कैश। लॉग ऑन टू बल्लेबाजी.com, द बेस्ट फैंटेसी क्रिकेट एक्सपीरियंस। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा के अब तक के यानी 8 दिन के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। आपको बताएंगे कि इस फिल्म ने इंडिया में कितनी कमाई की, साथ ही साथ ओवरसीज यानी विदेश में कितनी कमाई की। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पे आपको मिलेगी बॉलीवुड और साउथ की सभी फिल्मों की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले शुद्ध हिंदी में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें सिम्बा के बारे में, तो सिम्बा का बजट बताया जा रहा है लगभग 75 करोड़ रुपए। फिल्म को इंडिया में रिलीज किया गया था लगभग 4000 स्क्रीन में। फिल्म में लीड एक्टर है एनर्जेटिक स्टार रणवीर सिंह और उनके साथ है सारा अली खान, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। दोस्तों सिम्बा ने ओपनिंग डे पे ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी और अपने पहले दिन लगभग 21 करोड़ रुपए कमाए थे। और शाहरुख खान की फिल्म जीरो, जिसने कुछ दिन पहले ही 20 करोड़ की ओपनिंग ली थी, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वही बात करें दोस्तों सिम्बा के वीकेंड यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार के कलेक्शन की, तो इस फिल्म ने अपने वीकेंड में लगभग 75 करोड़ का कारोबार किया और यहाँ पे भी शाहरुख खान की फिल्म जीरो का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद दोस्तों इस फिल्म को अब पूरे हो चुके हैं 8 दिन। अब बात करें इस फिल्म के 7 दिन के कलेक्शन की, तो इस फिल्म ने अपने शुरुआती 7 दिनों में बॉक्स ऑफिस इंडिया पे लगभग 151 यानी 150 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, 4000 स्क्रीन में रिलीज होने के बावजूद भी सिम्बा फिल्म ने 150 करोड़ का आंकड़ा अपने पहले हफ्ते में ही पार कर दिया। वही दोस्तों बात करें अगर सिम्बा के 8वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो 8वें दिन भी इस फिल्म को काफी शानदार ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है और इस हिसाब से देखे जाए तो 8वें दिन के इस फिल्म के कलेक्शन लगभग 10 करोड़ रुपए आ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों जो 8 दिन का सिम्बा का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 161 करोड़ रुपए। अब बात करें अगर ओवरसीज के की यानी विदेश की कमाई की, तो इस फिल्म ने ओवरसीज में अब तक लगभग 55 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। इसी के साथ दोस्तों जो सिम्बा का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होता है वो हो चुका है 216 करोड़ रुपए। आपको बता दें दोस्तों सिम्बा ब्लॉकबस्टर हिट साबित हो चुकी है और साथ ही साथ ये रोहित शेट्टी के करियर के 8वीं फिल्म बन चुकी है जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, और इसी के साथ ये रणवीर सिंह की 2018 में दूसरी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है। लेकिन दोस्तों देखना अभी ये है कि इस फिल्म ने इंडिया में 161 करोड़ की तो कमाई कर ली है, क्या ये फिल्म 250 करोड़ तक कमाने में कामयाब होती है या नहीं, और साथ ही साथ ओवरसीज का कलेक्शन मिला कि ये फिल्म कहाँ तक जाती है, 300 करोड़ या 350 करोड़। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है सिम्बा का लाइफ टाइम कलेक्शन क्या हो सकता है, 250 करोड़, 300 करोड़ या 350 करोड़? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ बॉलीवुड और साउथ की हर एक नई अपडेट के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।